बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इंग्लैंड हुकूमत का बड़ा ऐलान, बड़ा खुफिया प्लान बेनकाब, बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इंग्लैंड का खुफिया प्लान मंजर आम पर आ गया और ये खुशखबरी अनाउंस की जा रही है आपके साथ। इंग्लैंड में जैसा कि इलीगल इमिग्रेंट्स के इस हवाले से इंतजार कर रहे हैं कि कब एमनास्टी का ऐलान होगा और इस हवाले से पटिशन पर दस्तखत भी मुकम्मल है। अब इस महीने में पार्लियामेंट में बहस तो होगी, लेकिन सबको मद्देनजर रखते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज जारी हो चुकी है और गवर्नमेंट की जानब से यह काम अभी इस वक्त भी जारी है। किस तरह से इन लोगों को एडजस्टमेंट किया जाए, तो इस हवाले से बहुत ही क्लियर इंग्लैंड ने खुफिया प्लान सामने मंजर आम पर दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में मौजूदा लोग लंबे अरसे से रह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी दरख्वास्तें होम ऑफिस में होना नहायत ही ज़रूरी हैं। और वो इलीगल इमिग्रेंट्स जिनकी 10 साल या इससे ज़्यादा का अरसा इंग्लैंड में रहते हुए हो गए और जिनकी दरख्वास्त होम ऑफिस में है, तो अब उनके लिए अच्छी खबर यह है कि हाल ही में जिनको 10 या 12 साल हो चुके हैं, वो चाहे शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो उनको वीज़ा ग्रांट मिलना शुरू हो गई है। और आप लोगों को वाजा करते चले कि आपके पास जितनी भी सबूत, चाहे वो मेडिकल से मुतालिक हैं या कोई भी बीमारी है और उसके पास कोई भी सबूत है, तो आप अपनी अच्छी दरख्वास्त तैयार करके जमा करवा दें, होम ऑफिस इसको ज़रूर चेक करेगा। मज़ीद तफसीलात में बताया जा रहा है कि जिन इलीगल इमिग्रेंट्स की दरख्वास्त होम ऑफिस में दर्ज है, तो अब उन लोगों को फैसला मिलना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म का भी इस हवाले से कहना है कि हम चाहते हैं कि टैक्स अदा करने वाले आएँ ताकि इसमें मईशत बढ़े और आप इनकी जानिब से खुफिया तरीके से, ख़ास करके जिनके केसेस होम ऑफिस में दर्ज हैं, तो उनको फैसला मिलना शुरू हो गया है। इसलिए यह नहायत ज़रूरी है कि दरख्वास्त ज़रूर दीजिए, क्योंकि दरख्वास्त होगी तो होम ऑफिस इसको देखेगा, ना कि ये इंतज़ार कीजिए कि कोई ऐसी खबर आएगी कि एमनास्टी बहाल हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब यह काम खुफिया तरीके से शुरू होने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के मुताबिक आपका कोई भी कमेंट्स अगर आपके माइंड में आ रहा है, तो आप नीचे कर सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तब तक इतना ही दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।